हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीलिमिनरी, अभी जो कमिंग प्रीलिमिनरी के लिए वायनाड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। सो ये बेसिकली लोकेटेड है कहाँ पे, ना केरला में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। एंड ये जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे। ये एक जो है फर्स्ट इंडिया का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में आया था। ओके, सो इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ पार्क जो है रिजर्व एरिया में, जो कि है कहाँ पे, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, एंड साइलेंट वैली जो है, ये सब आता है किसमें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। सो इसका देखेंगे, नियरली 344.44 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये स्प्रेड है। एंड वायनाड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इसका जो बॉर्डर है ये टच करता है कहाँ पे, ना टाइगर रिजर्व ऑफ नागरहोल एंड बंदीपुर ऑफ कर्नाटक एंड मधुमलाई ऑफ द तमिलनाडु। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है, जो कि एक काबिनी रिवर जो है ये फ्लो करता है इस सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काबिनी रिवर जो है ये फ्लो करता है। बहुत बार यूपीएससी में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कौन सा रिवर फ्लो करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो काबिनी रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका है, ना कावेरी का है। ओके, सो यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप भी देखेंगे, ये साउथ इंडियन मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है एंड वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एंड प्लांट के बारे में देखेंगे, यहाँ पे टीक, यूकेलिप्टस, ग्रेवलिया ये सब मिलता है। एंड एनिमल्स के बारे में देखेंगे, एलिफेंट, गोर, टाइगर, पंथा, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बोनेट मकाऊ, कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग, कॉमन ऑटर, मालाबार जायंट स्क्वायर भी मिलता है, एंड बहुत सारा मेजर मामल्स भी मिलता है। सो दैट्स ऑल।